नमस्कार फ्रेंड, दोस्तों आपका जो है मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग है, क्योंकि ये उस स्थान का ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ मैं जहाँ पर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। यही वो जन्म स्थान है जहाँ तुलसीदास जी पैदा हुए थे, और ये एक महान तीर्थ स्थान है। यहाँ जो है ऐसा एक कुंड है सोरो में, जहाँ पर जो है अस्थियाँ विसर्जित की जाती हैं, वो 3 दिन में ही गल जाती हैं। और जो है यहाँ राजस्थान से काफ़ी लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए। महान तीर्थ स्थान है सोरो, सूकर क्षेत्र जिसे कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में सोरो बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान है, तो आज आपको इसी जो है ब्लॉक को दिखा रहे हैं कि जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। सोरो के दोस्तों चारों जो बसा हुआ है सोरो, वो एक सोरो कुंड है जहाँ पिंडदान किए जाते हैं। मोस्टली राजस्थान से बहुत जो है लोग आते हैं यहाँ पिंडदान करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत विशाल एरिए में कुंड बना हुआ है, चारों तरफ जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है, और कुंड के चारों ओर ही सोरो बसा हुआ है। सोरो के कुंड के चारों ओर जो है भगवान के काफ़ी मंदिर बने हुए हैं, और जो है 12 जो है भगवान का मंदिर भी बना हुआ है, वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो आपको आज दिखाता हूँ सोरो सूकर क्षेत्र का जो है मेन कुंड, जिसमें जो है पवित्र स्थान जहाँ हड्डियाँ जो हैं, अस्थियाँ जो मतलब कहते हैं अस्थियाँ 3 दिन में ही जो है गल जाती हैं। इस कुंड की जो है दोस्तों कई वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च की कि ऐसा क्या है जो 3 दिन के अंदर ही अस्थियाँ जो है इसमें गल जाती हैं, लेकिन जो है कोई इसका पता नहीं लगा पाया, वो राज नहीं पता लगा पाया। और दोस्तों इस कुंड के चारों ओर बहुत जो है प्रसिद्ध जो है प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। आप ये देख सकते हैं बहुत प्राचीन मंदिर है, तो आप जो है पूरा ब्लॉग देखें, आपको जो है बड़े ही जो है इंटरेस्टिंग और प्राचीन जो है गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली से संबंधित काफ़ी मंदिर दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कुंड के चारों ओर के जो है दृश्य की कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, कैसा दिखता है कुंड, और जो है आप पूरे दर्शन कीजिए इस महान पवित्र स्थान के। फ्रेंड दोपहर का समय था, इसलिए ज़्यादातर मंदिर बंद थे, इसलिए हम मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करा सकते आपको। तो आपको दोस्तों बाहर बाहर से ही जो है मंदिरों का दर्शन करा रहे हैं, जो सोरो जो है सूकर क्षेत्र कुंड के चारों ओर बने हुए हैं। दोस्तों ये रामकुमार रामू जी हैं जो हमारे मित्र हैं, इन्हीं की सहायता से जो है हम सोरो क्षेत्र जो है आ सके और आपको जो है ये ब्लॉग शूट करके दिखा सकें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको सोरो का प्रसिद्ध बराहा मंदिर जो है मैं दिखाऊंगा, पूरे दर्शन कराऊंगा उस मंदिर के। बराहा मंदिर जो है सोरो सूकर क्षेत्र का सबसे फेमस मंदिर है, तो इस ब्लॉग के बाद जो आप वो ब्लॉग मेरा ज़रूर देखें। आपको सोरो सूकर क्षेत्र के जो है सभी प्रसिद्ध मंदिरों के जो है दर्शन मैं आपको इस ब्लॉग में करा रहा हूँ। मेन मंदिर जो है बराहा मंदिर जो है वो आपको जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दर्शन कराऊंगा। और रामकुमार रामू जी ही ने जो है हमें जोर दिया कि सोरो का हम ब्लॉग बनाकर आपको दिखाएं, क्योंकि ये गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थल है और बहुत फेमस क्षेत्र है जहाँ जो है अस्थियाँ 3 दिन में ही विसर्जित करने के बाद गल जाती हैं।
सरोवरों में दोस्तों स्नान करने के लिए बहुत सुंदर घाट बने हुए हैं और नए नए घाट भी बनना है। चारों तरफ जो है स्नान करने के लिए पक्के जो है घाट बने हुए हैं और जो है कुछ घाटों का जो है अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर, लेकिन चारों तरफ मोस्टली 75% जो है कुंड के चारों ओर पक्के घाट बने हुए हैं। आपको स्नान करने में कोई असुविधा नहीं होगी, बहुत सुंदर घाट बने हुए हैं। योगी जी ने जो है घाट जो है बहुत अच्छे बनवा दिए हैं। बच्चे जो है यहाँ खूब स्नान कर सकते हैं। पक्के घाट बने हुए आप देख सकते हैं, पक्के घाट बने हैं जहाँ पर नहाने की जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है। रेलिंग लगी हुई है कि आप इसके आगे ज़्यादा गहरा पानी है तो आप किनारे पर ही नहा सकते हैं, आप ज़्यादा अंदर ना जाएं। तो बहुत सुंदर घाट बने हुए हैं। फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए ब्लॉग का अंत यहीं करते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।